सरकारी अस्पताल खुद ही है बीमार। मुख्यमंत्री योगी जी की स्वास्थ्य सेवाओं को मांट और मथुरा के अधिकारी दिखा रहे ठेंगा। गांव के अंदर सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पशु चिकित्सालय होने के बाद भी झोला छाप डॉक्टरों की है बल्ले बल्ले। सुविधाओं का टोटा निजी अस्पताल पड़ता है महंगा। मरीज झोला छाप डॉक्टरों को दिखाने को है मजबूर। बीमारी से पीड़ित मरीज लाचार है। निजी अस्पताल में इलाज महंगा और सरकारी अस्पताल बंद पड़े, इससे लोगों ने कूड़े घर में तब्दील कर दिया है। यह हालात तब है जबकि केंद्र और यूपी की योगी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं पर खासा धन वर्षा कर रही। सरकार के नुमाइंदे अपना पेट भरने में लगे और सरकार स्वास्थ्य पर जोर दे रही, हकीकत कुछ और ही बयां कर रही। अभी भी तहसील मान क्षेत्र के गांव दरवे में सरकारी अस्पताल सुविधाओं के अभाव से जूझ रहा। यहां मरीजों को परेशानी हो रही। आपको बता दें कि गांव दरवे में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पशु चिकित्सालय तो है, लेकिन इस पर ताला लगा हुआ है। कूड़े घर की अगर बात की जाए तो ये कूड़े घर में पूरी तरीके से अस्पताल तब्दील हो चुका है। 3 साल पहले तो डॉक्टर आते थे, लेकिन उसके बाद ना तो यहाँ अस्पताल खुला और ना ही डॉक्टर बैठे। अस्पताल के सामान भी पड़ा है। गांव के लोगों ने बताया कि दरवे गांव में आसपास के कई गांवों से मरीज दिखाने आते थे, लेकिन अस्पताल ना खुलने की वजह से अब सभी को प्राइवेट झोला छाप डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ रहा। अब देखना होगा कि सरकार और सरकार के नुमाइंदे इस पर कोई ध्यान देते हैं या नहीं। मथुरा से ब्यूरो चीफ मनीष शर्मा की विशेष खबर। मेरा नाम जितेंद्र है। कहाँ के रहने वाले हो? सांतरगढ़ की रहने वाले। तो आपके यहाँ ये सरकारी हॉस्पिटल है, खंडर पड़ा हुआ है? ये 5 साल से खंडर पड़ा है ऐसे ही, और प्राइवेट डॉक्टरों से दवा लेते हैं लोग उसमें, और मतलब कोई सुविधा नहीं मिल रही है। तो लगभग खंडर हुए कितने दिन हो गए? 5-7 साल हो गए। जैसे आपके यहाँ लोग बीमार होते हैं कहाँ ले जाते हैं? प्राइवेट डॉक्टरों के पास जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा, क्या समस्या है हॉस्पिटल की? पूरी परेशानी है सर, बता दो। पूरी परेशानी है, कोई डॉक्टर ना आए, खंडर पर हो जो कोई कितना कचरा पर हो जाए हमें, और बड़ी परेशानी है। ये पशु की दिखा रहे।